हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो एक्चुअली आज मेरा पार्सल आ चुका है जो मैंने बुलाया था। एक माइक मैंने बुलाया था जो कि है, मतलब अभी जस्ट पार्सल आया एंड जिसका नाम मैं अभी भूल चुका हूँ, लेकिन अभी इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या है, क्योंकि फ्लिपकार्ट से अभी जस्ट आया है एंड इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो लेट्स डू दिस। ये बस अंदर वो बबल वाला कुछ डाल सकते थे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डेंट हो चुका है। कोई ना, ठीक है, फ्लिपकार्ट बड़ी कंपनी, क्या ही बोल सकते हैं भाई। तो थैंक यू सो मच वाला लेटर आया है, ओके वेलकम। अभी इसे ओपन करते हैं, इसका पैकेजिंग कुछ ऐसा है। एक मिनट, हाँ। सो ये बोया का माइक है, BY-M1। Many hours later, कुछ मैनुअल चीजें दी है एंड ये वाले केस में, तो ये काफी अच्छा दिया है। मतलब एक बैग बोल सकते हैं इसको, छोटे से ऐसी कुछ बैग है। चलो इसे ओपन करते हैं, इसके अंदर क्या है। सो इसके अंदर आता है अपना माइक, काफ़ी लंबा वायर दिया है यहाँ पे। सो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दे, कैमरा एंड ऑफ। मैंने एक्चुअली ये ऑलरेडी पहले यूज़ किया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने सोचा इसको कोई ना बुला ले। मेरे एक फ्रेंड के पास था ये, तो वही वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए किया था एंड बहुत ही अच्छा आउटपुट दिया था इसने। सो मैंने सोचा बुला ले एंड अभी इसके अंदर क्या है वो देखते हैं। साथ में एक है, सॉरी आपको बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा होगा, तो इसमें मेरी गलती नहीं। अभी जस्ट होके उठा था एंड पार्सल आ गया यार, तो सोचा कि उन्हें रिकॉर्ड किया जाए इसको, तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। एंड इसमें कुछ है, इसमें क्या है यार, अच्छा इसमें इसके ऊपर का कवर है, अच्छा इधर, एंड एक जैक है 3.5 mm में भी करें मे फैम रॉ, एंड ये एक पिन है, कुछ दिया है, अच्छा एक्स्ट्रा सेल है, इतनी कुछ चीज़ें। एक्स्ट्रा सेल नहीं, इसमें वो सेल लगता है तो उसी का सेल है ये। मे बी कैमरा हो मेरा, क्या चक्कर कुछ हो गया, आई डोंट नो। सो एक्चुअली ओपन होता है बीच में से, ऐसे कुछ ओपन होता है एंड इसके अंदर ये सेल लगेगा। मैं भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। सो इसमें सेल डालते हैं एंड फिर इसे चेक करते हैं। सो लेट्स डू इट। ये ओपन होने के बाद कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे सेल डालना पड़ेगा। Meanwhile, so अभी मैंने माइक ऑन कर रखा है एंड अभी तो ये ऑफ पे, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शंस है, एक तो कैमरा, एक मिनट वेट वेट पे यहाँ पे फोकस होने दो। सो दिख नहीं रहा। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस है, मैं आपको फोटो यहाँ पे लगा दूंगा। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस है, एक है कैमराज एंड ऑफ स्मार्टफोन, मतलब ऑफ करना है ये बटन जब स्मार्टफोन पे यूज हो, तो मैंने ऑफ कर रखा है अभी। एंड अभी कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है, आप कमेंट्स में बताओ कि कैसा आउटपुट आ रहा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली एंड ऐसा ही है माइक। बाकी क्वालिटी की बात किया जाए ये वाले प्रोडक्ट में तो बहुत ही अच्छा है एंड मैं कुछ ये प्रोडक्ट रिव्यू तो वगैरह करता नहीं हूँ, लेकिन अभी मैंने बुलाया था तो सोचा इसका कुछ वीडियो बना जाए, बाकी लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग के लिए भी चाहिए था एंड थोड़ा बहुत म्यूज़िक रिकॉर्डिंग के लिए भी, तो मैंने अभी जुगाड़ कर लिया इसको। सो ऐसा था ये माइक का रिव्यू। आई होप आप सब लोगों को ये रिव्यू पसंद आया होगा एंड आपको अगर माइक लेना है तो बजट में यही बेस्ट है, क्योंकि मुझे पड़ा था, मैं 550 या 600 के रेंज में पड़ा था। सो बहुत ही अच्छा माइक है। दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आप सब लोगों को वीडियो पसंद आएगा, ये रिव्यू पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक करो एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सो ये एक छोटा सा रिव्यू वीडियो भी। सो अभी मैंने माइक ऑन कर रखा है एंड अभी तो फिलहाल ये ऑफ है, ये जो